Hello, hi guys, good afternoon. एमएससीडी क्विज में आप सबका स्वागत है दोस्तों। आई होप आप आर डूइंग वेल एंड लाइफ इज वेल एंड यू आर वेल दोस्तों। हेलो हेलो हेलो, गुड आफ्टरनून। सो आई होप आप लोग मॉक के लिए तैयार है। 2 बजे, ज्यादा लंबी क्लास नहीं है ये, आधे घंटे में अपन खत्म कर देंगे ताकि आप मॉक के लिए भी थोड़ा प्रिपेयर्ड रह सके। सो मेरा नाम करीम नागर, मैं वेलवेट फ्रॉम लेवल मास्टर सीरीज ऑफ स्टडीज में करना है। और सीरीज ने वेलवेट 2014 ब्लैक 2024 2025 ऑल इंडिया मॉक टेस्ट सीरीज है। आज 2 पीएम पे है, इसका लीगल रीजनिंग सेक्शन मैंने बनाया है। लेटेस्ट क्लैट पैटर्न पे है, पैसिव बेस्ड क्वेश्चन है, तो अगर आपने कोई भी देना चाहे तो आप लोग इसमें एनरोल कर सकते हैं। इस क्यूआर कोड को स्कैन करके इसमें एनरोल कर सकते हैं और 90% स्कॉलरशिप भी आपको मिल सकती है इसमें। मार्च 19 से शुरू हो रहा है, बेसिकली आज से 2 बजे आपका टेस्ट है, तो आप लोग देना चाहे तो आप दे सकते हैं। लेवल ऑफ फाउंडेशन बैच क्लैट 2024 एस्पिरेंट्स के लिए मार्च 30 से शुरू हो रहा है। अगर आप जो भी इसमें रोकर इसमें रोक सकते हैं और अगर आपको मेरे पढ़ाने से आ सकते हैं तो मेरा कोड यूज कर सकते हैं, विच इज कृति बी। यस, एंड एमएससीटी क्रैश कोर्स में अगर आप एनरोल करना चाहते हो तो आप सिर्फ इसमें भी एनरोल कर सकते हैं। ये अकेडमी स्टोर पे अवेलेबल है, इसका करंट प्राइस इतना है। और लॉ विस्तार में अगर आप एनरोल करना चाहते हैं तो आप इसमें भी एनरोल कर सकते हैं अगर आप चाहें तो। वॉरियर्स ड्रॉपर्स बैच है क्लैट 2024 एस्पिरेंट्स के लिए, अगर आप इसको 20 महीने रोक रहे इसमें भी एनरोल कर सकते हैं। और इसमें करना चाहिए, इसमें मैं लीगल रीजनिंग पढ़ाऊंगी, तो अगर आप लीगल रीजनिंग पढ़ना चाहते हैं तो आप इसमें एनरोल कर सकते हैं। स्पेशल क्लासेस फ्री क्लास होती है अकेडमी, आपकी नेटिव लाइव क्लास होती है, पोस्ट रेंज कर सकते हो, क्लास लेक्चर के नोट्स में कई कई क्लास को एक्सेस कर सकते हो। तो चलिए शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 1। ऑल सब्जेक्ट क्विज है, अभिनव यस यू कैन, बट अगर आप ओवर थिंक करते रहोगे और ये सोचते रहोगे कि नहीं हो पाएगा और मैं अपसेट हूँ और ये होगा, तो और टाइम ज्यादा वेस्ट होगा ना। तो जस्ट स्टार्ट योर प्रिपरेशन एंड बाकी होगा या नहीं होगा दैट योर फेट दैट डे शैल डिसाइड। स्टारिंग द पोल easy peasy lemon squeezy, बहुत ही आसान सा क्वेश्चन जो कि आप लोगों ने गलत कर दिया है, मुझे नहीं पता क्यों। प्राइवेट नुइसेंस का मतलब क्या होता है कि आप किसी की प्रॉपर्टी या अपनी प्रॉपर्टी इस प्रकार से यूज कर रहे हो कि सामने वाले पर्सन को उसकी प्रॉपर्टी एंजॉय करने में प्रॉब्लम आ रही है, इंटरफियर हो रहा है। लेकिन मतलब अनरीजनेबली अगर आप कर रहे हो तो ही आप लायबल होगे। रीजनेबली करते हो आप अपनी प्रॉपर्टी का यूज, तो ऑफकोर्स आप लायबल नहीं होगे नुइसेंस के लिए। एक आदमी है जो सुबह 8 बजे उठ जाता है और 11 बजे अपने घर में मोइंग करना शुरू कर देता है अपने गार्डन को, उसको पता है कि साइड वाले घर में जो जॉब्स रहता है उसको बहुत परेशानी होती है, उसको इलेक्ट्रिक मोवर बिल्कुल नहीं पसंद है नॉइस की वजह से, तो इसके लिए लायबल थोड़ी हो सकता है वो कि वो नुइसेंस कर रहा है। भाई वो अपने घर में मोवर तो चला सकता है ना, 11 बजे तो रीजनेबल टाइम है, अपने घर में क्या सफाई भी नहीं करेगा क्या आदमी। इंटेंशन विंटेंशन डॉट से मैटर नहीं करती, कितनी बार मैं आप लोगों को ये चीज बता चुकी हूं। तो यहाँ पे बी इज करेक्ट, इट इज रीजनेबल फॉर अ मैन टू मो ग्रास फॉर सम टाइम इन द मॉर्निंग, चाहे उसकी गलत इंटेंशन हो या ना हो इससे फर्क नहीं पड़ता, अगर वो कोई भी लीगल राइट इंफ्रिंज नहीं कर रहा है तो वो लायबल नहीं होगा। तो बी इज द करेक्ट आंसर दोस्तों, और ये काफी सारे लोगों ने गलत कर दिया, इंटेंशन मैटर ही नहीं करती भाई। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, गाइस मैं म्यूट पे थी। इजी पीजी लेमन स्क्वीजी, अगर आप जानबूझकर एक ऐसी पोजीशन में अपने आप को डालते हैं जहां पे आपको हार्म हो सकता है, तो अगर आपको हार्म हो जाता है तो आप सामने वाली पार्टी के अगेंस्ट केस नहीं कर सकते। भाई बस में ट्रैवल कर रहे हैं, ट्रैवल करते टाइम उसने सोचा कि चलो अपन जिंदगी ना मिलेगी दोबारा बनाते हैं, हाथ बाहर रखते हैं और उड़े आसमां के परिंदे हैं उड़े, और फिर उसका हाथ कट जाता है। तो यहाँ पे ऑब्वियसली सामने वाला पर्सन लायबल नहीं है क्योंकि उसको पता था हाथ बाहर रखोगे तो ऐसा कुछ हो सकता है, तो उसने खुद को ही अपने आप
आपको ऐसी पोजीशन ऑफ हार्म में डाला तो वो सामने वाले पे केस नहीं कर पाएगा क्योंकि प्रिंसिपल भी यही कह रहा है. तो ए इज द करेक्ट आंसर दोस्तों. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन. साहिल 3. हेलो प्रणाली, कैसी हैं आप? हेलो नीतीश. Starting the poll, guys. Easy peasy lemon squeezy. आसान से क्वेश्चन का आसान सा जवाब. प्रिंसिपल के हिसाब से जाना है. टिपिकल ओनली स्टिक टू द प्रिंसिपल. प्रिंसिपल में क्या लिखा हुआ है कि एम्प्लॉयर्स लायबल होते हैं अपने एम्प्लॉयज के टॉर्ट्स कमिट करने के लिए जो उन्होंने कोर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट में कमिट किया है. लेकिन सेकंड प्रिंसिपल ये कह रहा है कि एम्प्लॉयर लायबल नहीं होगा अगर एम्प्लॉयज असॉल्ट या बैटरी कमिट करते हैं. लेकिन वो कब लायबल हो सकते हैं? दो केस में, अगर उनके एम्प्लॉयमेंट का ही पार्ट है यूज करना फोर्स, जैसे पुलिस ऑफिसर है, आर्मी ऑफिसर है इस टाइप का, या फिर वो ऐसा प्रकार का काम करते हैं जिसमें लड़ाइयां झगड़े पॉसिबल है, जैसे कार रिपोसेस करना और ये सब चीजें जिसमें गुंडागर्दी होती रहती है. तो ये तो टी स्टॉल चला रहा था, तो टी स्टॉल में ना ही गुंडागर्दी यूजली होती है और ना ही एम्प्लॉयमेंट में फोर्स यूज करना अलाउड है. तो सी इज करेक्ट. ए शैल नॉट बी लायबल फॉर क्योंकि असॉल्टिंग कस्टमर्स ना ही एम्प्लॉयमेंट का पार्ट था और ना ही ऐसा बिजनेस है टी सर्विंग जिसमें लड़ाइयां हो सकती हैं. हम प्रिंसिपल के हिसाब से जाएंगे. अगर सेकंड प्रिंसिपल नहीं दिया होता तो एम्प्लॉयर लायबल होता, बट बिकॉज सेकंड प्रिंसिपल इज गिवन देयरफॉर द एम्प्लॉयर शैल नॉट बी हेल्ड एज लायबल. इसलिए सी है सही. नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों. Starting the poll, guys. Easy peasy and lemon and squeezy. अरे प्रिंसिपल के हिसाब से जाओ. प्रिंसिपल में लिखा है एम्प्लॉयर्स लायबल होते हैं एम्प्लॉयज की एक्ट्स के कमिट करने के लिए, तो एम्प्लॉयर्स लायबल होंगे, बस बात खत्म. एक्स एक सर्कस को ओन करता है, वो पूरी कंट्री ट्रैवल करता है अपनी क्रू के साथ, ये वो फलाना ढमकाना. एनिमल्स को ट्रांसपोर्ट करने के लिए ट्रांसपोर्ट एजेंसी यूज करता है. एक दिन वाई ने अपने ट्रक को भेजा दिल्ली से चंडीगढ़ एनिमल्स को ट्रांसपोर्ट करने के लिए. जो ड्राइवर था वो चाय पीने चला गया और केज क्लोज भी नहीं किया, और फिर उसके बाद उसको बोला भी गया था कि भाई अगर तूने कुछ गड़बड़ की तो मैं पे नहीं करूंगा, ये नहीं करूंगा. इस सब से कोई फर्क नहीं पड़ता एम्प्लॉयर क्या बोलता है कि मैं तो नहीं लायबल होने वाला. बोलने से क्या होता है भाई? लॉ कहता है कि एम्प्लॉयर लायबल होगा अगर कोर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट में कोई भी टॉर्ट कमिट किया है एम्प्लॉई ने. तो यहाँ पे वाई शैल बी हेड लायबल वाइकेरियसली फॉर द नेग्लिजेंस ऑफ जेड, क्योंकि उसने डॉट कमिट किया है ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट. चाहे फिर उसने कुछ भी बोला, इससे फर्क नहीं पड़ता. ठीक है, सो यहाँ पे देयरफॉर डी इज द करेक्ट आंसर दोस्तों. ठीक है, और बी आंसर कैसे हो सकता है? बी बोल रहा है वाई शैल नॉट बी हेल्ड एज लायबल. नॉट बी हेल्ड लायबल थोड़ी आंसर हो सकता है. और फिर रीजन ये है कि जेड की नेग्लिजेंस की वजह से डैमेज हुआ तो वाई लायबल नहीं होगा. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन.
starting the poll, guys. Easy peasy lemon squeezy. बहुत ही आसान से क्वेश्चन का बहुत ही आसान से जवाब. जिन लोगों ने इसका क्वेश्चन का आंसर गलत किया है, मुझे लगता है वो लोग वहां पहुंच गए. वो जो एक एग्जांपल हुआ था अभी लास्ट ईयर, एक मॉडल के बाल गलत काट दिए थे तो उसने स्यू किया था, तो उसे कॉम्पेंसेशन मिल गया था. उसे कंज्यूमर लॉ में कॉम्पेंसेशन मिला था बेटा. ये टॉर्ट लॉ का प्रिंसिपल है. टॉर्ट में लिखा हुआ है कि अगर आप रॉन्गफुल एक्ट कमिट करते हो, किसी का लीगल राइट वायलेट करते हो, तो ही आपको कॉम्पेंसेशन मिलेगा. तो अगर आप किसी के बाल काटते हो तो उसमें उसका लीगल राइट वायलेट नहीं हो रहा है, तो यहाँ पे इसलिए ए सक्सीड नहीं कर पाएगा. अगर वो कंज्यूमर लॉ में केस करता तो शायद वो सक्सीड हो जाता, बट हम सिर्फ प्रिंसिपल के हिसाब से जाएंगे. प्रिंसिपल सिर्फ टॉर्ट लॉ की बात कर रहा है. वी शैल स्टिक टू दैट. ठीक है. सो सुमित, साक्षी, अभिनव, संचिता, तन्मय, अभिनव भारती, कासिम, अदिति एंड भुवनेश्वर. वेरी वेरी गुड गाइस. मैं अभी जेम्स, आई विल शेयर द लिंक एंड आई विल पिन इट, तो फिर आप उसको क्या बोलते हैं उसमें एनरोल कर लेना. रुको, आई जस्ट पिन द सेम. So I pinned the link. अगर किसी को भी देना हो मॉक तो. Starting the poll, guys. Easy peasy lemon squeezy. आसान से क्वेश्चन का दोस्तों बहुत ही आसान सा जवाब. Easy peasy lemon squeezy. Anyone who does say something here to bring into disrespect any court of law shall be prosecuted and punished for ये क्या हो गया? हाँ, for contempt of court. तो अगर कोई भी court की बात नहीं मानता है तो उसे contempt of court के लिए liable किया जाएगा. Shaloon chief minister है state के और वो press conference चला रहे supreme court के judgment पे. petition में ये लिखा हुआ है कि कोई भी construction dam का नहीं हो सकता जब तक कि evicted person को properly घर वर ना मिल जाए. मतलब डैम बनाना है तो डैम जहां पे बनाना था वहां पे कुछ लोग रह रहे थे, उनको एविक्ट कर दिया गया. तो सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि पहले उनको घर दो, फिर ही डैम बना पाओगे. शैलून बोल रहे हैं कि भाई कॉमन मैन को तो कोर्ट से कोई भी जस्टिस नहीं मिलनी चाहिए, क्योंकि जजेस हमेशा रिच और पावरफुल को ही बायसनेस दिखाते हैं. तो यहाँ पे शैलून के जो वर्ड्स हैं, दे बिंग डिसरिगार्ड टू द कोर्ट ऑफ लॉ, की वो ये बताना चाह रहे हैं कि भाई कोर्ट ऑफ लॉ इफेक्टिव ही नहीं है. तो ऑब्वियसली वो बेइज्जती कर रहा है कोर्ट ऑफ लॉ की, तो यहाँ पे ही वुड बी लायबल. नहीं, आपका फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन का प्रिंसिपल ही नहीं है तो क्यों लगाओगे आप वो ऑप्शन. ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन गाइस. स्टार्टिंग द poll, guys. Easy peasy lemon squeezy, जो कि आप लोगों ने काफी ज्यादा गलत कर दिया. आसान से क्वेश्चन का आसान से जवाब. नथिंग इन आर्टिकल 13 शैल अप्लाई टू एनी अमेंडमेंट मेड अंडर आर्टिकल 368. तो ये कौन से अमेंडमेंट से ऐड किया गया? दिस हैज बीन एडेड बाय द 24th अमेंडमेंट. No, this was added by 24th amendment. मैं क्लास में बता चुकी हूँ, it is not 42nd. 13 clause 4 was added by article by the 24th amendment. I have told you this in class. So यहाँ पे B is the correct answer, दोस्तों. It's not 42nd. चलिए, next question.
starting the poll, guys. Easy peasy lemon squeezy. Asaan se question ka asaan sa jawab. So partnership kis cheez pe based hai? Partnership is based on mutual agency. All right, next question. Starting the poll, guys. Easy peasy lemon squeezy. James, 2 o'clock you have to go to that link in the mock and then you click on start mock and the mock shall start. So asaan se question ka asaan se jawab. President kisko resignation likhte hain? Vice president ko. So A is correct. Chaliye ye bataiye. Starting the poll, guys. Easy peasy lemon squeezy. Sahil, yes. So asaan se question ka asaan se jawab. House of people mein Lok Sabha mein representation kis cheez pe based hai? Population pe based hai. Hai na? Ye to matlab sabko pata hi hota hai. Population ke hisab se seats divided hai. So C is the right answer. Chaliye. Starting the poll, guys. Easy peasy lemon. अरे भाई, ये तो मैंने आपको एक्चुअल केस कराया है टॉटलो की क्लास में. स्कूल के बच्चे अगर बाहर चले जाते हैं, नर्सरी के बच्चे, तो स्कूल की रिस्पॉन्सिबिलिटी है ना. स्कूल इज देयर गार्जियन एट दैट मोमेंट ऑफ टाइम एंड दे आर सपोज टू टेक केयर ऑफ द चिल्ड्रेन. तो यहाँ पे ए इज करेक्ट. स्कूल मैनेजमेंट इज लायबल क्योंकि वो नेग्लिजेंट थे बच्चों का ख्याल रखने के लिए. ये तो मैंने आपको क्लास में भी कराया है केस. दिस इज व्हाट द लॉ इज. चलिए starting the poll, guys. Easy peasy lemon squeezy. पागल वागल हो गया तुम थोड़े से. B पहले one होगा. Offer by X to Y, फिर acceptance of offer by Y. अच्छा, उसके बाद demand of damages. अच्छा, फिर उसके बाद अंडियो इन्फ्लुएंस होता है. क्यों अंडियो इन्फ्लुएंस? पूरे केस खत्म होने के बाद होता है. कॉम्पेंसेशन मिलने के बाद अंडियो इन्फ्लुएंस होता है. अंडियो इन्फ्लुएंस का मतलब क्या है? कि आप सामने वाले को इन्फ्लुएंस कर रहे हो कि वो आपके साथ कॉन्ट्रैक्ट में एंटर करे. तो पहले तो बंदा आपको इन्फ्लुएंस करेगा, फिर वो ऑफर करेगा, फिर उसके बाद आप एक्सेप्ट करोगे और फिर आप डैमेजेस मांगोगे ना कि भाई मेरे को इन्फ्लुएंस करके मेरे साथ कॉन्ट्रैक्ट हुआ है. तो सी होगा ना आंसर. बी काहे लगा दिए? डैमेजेस तो इन एनी केस हमेशा लास्ट होंगे. तो आपका जो भी आंसर होता है उसमें थ्री एंड में आना चाहिए. तो वन और बी तो आउट हो गए. चलिए स्टार्टिंग द पोल, गाइस. इजी पेजी लेमन स्क्वीजी.
थॉट्स में लाइबिलिटी किस चीज पे बेस्ड होती है ये तो आप सबको पता ही है, इसमें तो कुछ गलत करने जैसा था ही नहीं. सो इट इज बेस्ड ऑन कि आपका इंफ्रिंजमेंट ऑफ लीगल राइट हुआ है कि नहीं है. अबे डैमेजेस से क्या फर्क पड़ता है, जब तक इंफ्रिंजमेंट ऑफ लीगल राइट नहीं होगा तो टॉर्ट्स में केस कैसे कर सकता है. सो यहाँ पे देयरफॉर सी इज द करेक्ट आंसर दोस्तों. सो एक बार लीडर बोर्ड को देख लिया जाए तो फर्स्ट पॉइंट तो यही है ना कि भाई लीगल राइट वायलेट होना चाहिए. तन्मय, अदिति, कासिम, सुमित, साहिल, संचिता, वैष्णवी, मानस, भारती एंड साक्षी, वेरी वेरी गुड गाइस. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन. ये तो आप सबको पता ही होगा. स्टारिंग द पोल गाइस, इजी फीजी लेमन स्क्वीजी. नेशनल इमरजेंसी रिवोक करनी है तो आप क्या कर सकते हो, मतलब सबसे पहले रेजोल्यूशन कौन लेके आता है. तो ये मैंने आपको क्लास में पढ़ाया था, लोकसभा के 1/10 मेंबर सबसे पहले रेजोल्यूशन लेके आएंगे कि हम नेशनल इमरजेंसी को वापस देना चाहते हैं. तो ये मैं आपको क्लास में पढ़ा चुकी हूँ. सो यहाँ पे सी इज द करेक्ट आंसर दोस्तों. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन. अभिषेक मेरी ना क्लास का एक रूल है, नेक्स्ट पोल बंद, ये मत करो वो मत करो, मेरे को नहीं बताता कोई. ठीक है, अच्छे से समझा रही हूँ, नेक्स्ट टाइम अच्छे से नहीं समझाऊंगी. चलिए स्टारिंग द पोल गाइस, इजी पीजी लेमन स्क्वीजी. सिंपल, बहुत ही सिंपल. एक्सटॉर्शन इज डैश व्हेन इट इज कमिटेड इन अ फियर ऑफ इंस्टेंट हर्ट. तो दो ही ऑफेंसेस होते हैं जब आप फियर ऑफ इंस्टेंट हर्ट में कमिट करते हो, जो रॉबरी में तब्दील हो जाते हैं, विच इज एक्सटॉर्शन एंड थेफ्ट. तो यहाँ पे बहुत ही आसान सा क्वेश्चन था कि एक्सटॉर्शन क्या बन जाता है अगर उसमें आपको फियर होता है कि आपको मार पड़ने वाली है. तो ये मैं आपको क्लास में भी करा चुकी हूँ, इट इज गोइंग टू बी रॉबरी. सो सी इज द करेक्ट आंसर दोस्तों. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन गाइस. Starting the poll, guys. Easy peasy lemon squeezy. बहुत ही आसान से क्वेश्चन का बहुत ज्यादा आसान सा जवाब. सो आपको बता दें कौन सा स्टेटमेंट ट्रू है. माइनर का कॉन्ट्रैक्ट मेजोरिटी अटेन करने पे रेटिफाई हो सकता है, मतलब सही हो सकता है. तो ऐसा नहीं है एक बार आपने जब कॉन्ट्रैक्ट में एंटर कर लिया तो वो ही आपका मेन कॉन्ट्रैक्ट है, आप उसे बाद में चेंज नहीं कर सकते. सो माइनस कॉन्ट्रैक्ट कैन नॉट बी रेटिफाइड ऑन अटेनिंग मेजोरिटी, ये सही स्टेटमेंट है. सी माइनस कॉन्ट्रैक्ट कैन बी रेटिफाइड जॉइंटली, नहीं हो ही नहीं सकता माइनर कॉन्ट्रैक्ट रेटिफाई, तो सी गलत है. फोर्थ माइनर इज नॉट लायबल अंडर माइनस कॉन्ट्रैक्ट, तो ये भी सही स्टेटमेंट है कि माइनर लायबल नहीं होता, एक्सेप्शन होता है, माइनर की लायबिलिटी नहीं बनती. तो बी इज द करेक्ट आंसर. सिंपल सिंपल. दैट इज ऑल फॉर टुडे. अब कल करेंगे हम, आपका 2 बजे क्विज है. सो प्लीज प्रिपेयर फॉर द क्विज एंड हियर योर लीडर बोर्ड, मतलब क्विज मतलब मॉक है. सो अदिति, तन्मय, साहिल, मानस, भारती, कासिम, सुमित, संचिता, वैष्णवी एंड साक्षी, ऑल द बेस्ट फॉर योर मॉक गाइस. और लिंक मैंने चैट बॉक्स में पिन कर दिया है, तो किसी को भी अगर 2 PM पे मॉक देना हो तो वो दे सकते हैं. कल 5 PM पे उस मॉक का लीगल रीजनिंग एनालिसिस होगा. कोई भी अगर आपको डाउट हो आज के मॉक में तो आप कल आ सकते हो लीगल रीजनिंग का मॉक का एनालिसिस देखने के लिए. ठीक है, इट विल बी टेकन बाय मी. ऑलराइट गाइस, थैंक यू सो मच एंड टेक केयर एंड बाय एंड टाटा एंड बेस्ट ऑफ लक. हाँ, वो लीगल मैंने